ना, क्यों नहीं जाओगे मीटर से? चलो पुलिस स्टेशन। अरे ओ पुलिस वाले, क्या हो गया? अभी उसने मेरे को उड़ा दिया होता गाड़ी वाले ने। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आपका सामान चोरी हो गया, लेकिन इसकी खबर आप पुलिस को दे और पुलिस के एक्शन से आने से पहले ही चोर आपके चुराए गए सामान को कुरियर कर दे? या हो सकता है कि आपने ये सुना हो कि एक बीवी के होते दूल्हा दूसरी लड़की से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी तो काली है, और ये तो कुछ भी नहीं। अंत में हम आपको एक ऐसी न्यूज के बारे में बताएंगे जब पुलिस वालों की हालत एक डीजे वाले ने खराब कर दी। जी हाँ, डीजे वाली गाड़ी को देखकर पुलिस की गाड़ी उसे सैल्यूट करती नजर आई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक डीजे वाली गाड़ी का पीछा कर रही पुलिस उसे देखते ही सैल्यूट करने लगी? ऐसी कई वीडियोस आज हम आपके लिए लाए हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और साथ ही आपको एक बार सतर्क होने का मौका देंगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से, जिसमें एक दूल्हे को शादी के बहाने ठगने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी कराने के नाम पर कुछ लोगों ने युवक को पहले एक खूबसूरत लड़की दिखाई, लेकिन जब शादी होने को हुई तो कोई दूसरी 50 साल की महिला सामने कर दी, जिसको देखने के बाद विरोध करने पर दूल्हे से न केवल मारपीट की गई बल्कि उसके पास रखे 35,000 रुपए भी छीन लिए गए। दुल्हन तो मिली नहीं, रकम भी गंवा बैठे शत्रुघ्न सिंह के सिर पर सहरा सजा रह गया। मेरे को दिखाई थी वो थी 20 साल की, वो आज जो सुबह लाइफ जो इन्होंने कही चल पैसा नहीं मिले चल शादी कर ले, तो आज जब मैं गया काली माँ के मंदिर से तब वो 40-45 साल की लेके आई। दोस्तों कभी आपने सुना है कि पति दूसरी शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी सांवली है और 3 साल बीतने के बाद उसे ये याद आया कि अब उसे गोरी पत्नी चाहिए, जिसके लिए वो दूसरी शादी करने तो पहुंच गया। शादी की सभी व्यवस्था भी सही चल रही थी, लेकिन पत्नी पति की दूसरी शादी के मंडप में पहुँच कर पुलिस वालों के साथ उसे गिरफ्तार करवा दिया। पहली पत्नी के होते हुए ये शख्स दूसरी शादी करने जा रहा था, वो भी गोरी पत्नी, इसलिए न जाने क्या जमाना आ गया है। खुद अगर सलमान खान होता तो न जाने इंडस्ट्री में क्या होता। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की सूचना पर पुलिस ने एक बारात घर में दबिश दी। पुलिस ने दोस्तों चोर कब और कैसे चोरी कर ले ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम जो दिखाएंगे उसे देखकर आप कहेंगे कि सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि चोर तो आखिर चोर होते हैं। और आप इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं ये शख्स अपने चाय का इंतजार कर रहा है, लेकिन बगल में खड़ा ये लड़का चाय लेकर अपने साथ एक थैली लिए हुए है और कितनी चालाकी के साथ वो बगल वाले शख्स की कमीज की जेब में से फोन चुरा लेता है, वो भी उसी के सामने, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। ये तो महज एक एग्जाम्पल है। इस दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी देर से घूम रहा ये छोटा सा लड़का बड़ी चोरी को अंजाम देता है और पेपर के नीचे से इतना महंगा फोन खिसका लेता है। कहने का मतलब ये फोन को चुरा कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों हर साल सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत कुछ करती है, और उसी में शामिल है सड़क, जिसे बनाने में वो कई लाखों रुपए खर्च करती है। लेकिन अगर ऐसी सड़क बनाई जाए जो रात में बने और सुबह चटाई की तरह उखड़ती नजर आए तो भला जनता किस पर विश्वास करेगी? ये मामला है कानपुर के बिल्लौर का। दरअसल जब इस बात की खबर जनता को लगी तो जनता में आक्रोश देखने को मिला और यहाँ विधायक जी को बुलाया गया। विधायक जी भी अपनी टीम के साथ सड़क का निरीक्षण करने आए और उन्होंने भी जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी है जिसने ऐसी हरकत की है, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। लेकिन पीडब्ल्यूडी के साथ ठेकेदारों की भी विधायक जी क्लास लगाते नजर आए। जरा देखिए आप भी इस वीडियो को। दोस्तों पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन कई बार यही पुलिस वाले हमारे रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं और इससे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नौकरी को आराम की नौकरी समझते हैं, और आपको हम वीडियो में जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि भगवान ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या पुलिस की नौकरी दे ही देता क्यों है। दरअसल यहां पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले खड़े हैं उसने शख्स को उनकी जगह पर ले जाने से मना कर दिया और ये भी कहा कि वो मीटर चलाकर वो उस जगह पर नहीं जाएंगे, ये अपना मनमाना पैसा लेंगे। कानूनी तौर पर अगर ऑटो रिक्शा या कोई भी वाहन खाली है और वो आपके मंजिल तक नहीं जाती तो उस ऑटो रिक्शा का चालान बनता है, लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक हवलदार साहब तो इन लोगों से मिले नजर आए और खुद रिक्शे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। और इसके बाद इस शख्स के साथ जो हुआ उसे आप भी देखिए। क्यों नहीं जाओगे मीटर से? चलो पुलिस स्टेशन। अरे ओ पुलिस वाले,
क्या हो गया? अभी उसने मेरे को उड़ा दिया होता गाड़ी वाले ने। आपने चोरी की कई वारदातों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखी चोरी की वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक घर से चोर ने सोने के जेवरात चोरी कर लिए, लेकिन शायद चोर का ईमान जाग गया और उसने चोरी का सामान कुरियर करके परिवार को वापस भेज दिया। यह मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके का है। यहाँ पर प्रीति नाम की टीचर का परिवार रहता है। प्रीति का परिवार कुछ दिन पहले अपने पारिवारिक काम से बाहर गया था। 27 अक्टूबर को वो लौट कर आए तो उनके घर में चोरी हो गई थी। काफी ज्यादा सामान चला गया था। इसके बाद सोसाइटी के सीसीटीवी देखे गए, जिसमें चोर को आते और जाते हुए देखा जा सकता था। लेकिन यह मामला उस समय और ज्यादा हैरान कर देने वाला हो गया जब परिवार को कुरियर के माध्यम से एक पार्सल मिला। पार्सल में कुछ गहने जो घर से चोरी हो गए थे। हापुड़ के एक एड्रेस से ये कुरियर भेजा गया था। माना गया कि चोर ने कुछ गहने वापस कर दिए, उसने इसके लिए कुरियर का इस्तेमाल किया। हालांकि परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि चोर ने गहने वापस क्यों भेजे। हालांकि लोग इस पर कई तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा है चोर का ईमान जाग गया होगा इसलिए उसने गहने वापस भेज दिए, तो कोई कह रहा है ये चोरी किसी साजिश का पार्ट है। वहीं पार्सल को पुलिस की मौजूदगी में खोला गया, जिसमें गहने मिले हैं। प्रीति ने बताया कि वो कुछ दिन पहले घर से गहने और बाकी कीमती सामान और कुछ कैश चोरी हो गया था। उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया, सोसाइटी के लोगों ने भी मदद की। बाद में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि चोर ने एक पार्सल कुरियर के जरिए भेजा है, जिसमें गोल्ड का सेट चोर ने वापस कर दिया है। इस सेट में इयररिंग, चेन और रिंग है। पार्सल पर जो एड्रेस लिखा है वो हापुड़ का है। चोर ने गहने वापस क्यों भेजे इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। उनका कहना है कि सामान चोरी हुआ है उसमें से सिर्फ एक गोल्ड सेट वापस आया है। पुलिस का कहना है कि जो पार्सल आया उसमें जो गहने मिले हैं वो पीड़ित परिवार को वापस सुपुर्द किए जा रहे हैं। इस एड्रेस से ये गहने भेजे गए थे, वो एड्रेस फर्जी पाया गया। दोस्तों अब हम आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, दरअसल उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डीजे बजा रहे गाड़ी वालों को 2-3 पुलिस वालों की गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं और अपनी गाड़ी को घुमाकर भाग निकलता है। हालांकि लोगों ने इस गाड़ी की खूब तारीफ की, पर आपको बता दें कि यह रियल वीडियो नहीं बल्कि एक गेम का पार्ट है और जिसे गेम से ये लिया गया है वो गेम GTA 5 है। लेकिन असल लाइफ में अगर आप गलती करते हैं तो उसे माने भी, क्योंकि इस तरह की गलती आपको भारी पड़ सकती है। वैसे दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझने को और जानने को मिला होगा, जिससे आपको आसपास हो रही घटनाओं के बारे में मालूम चला। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।